हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मैं सेल्फ आशा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। 10,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच मुझे इतना लव, इतना सपोर्ट देने के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे हेल्प करने में अच्छा लगता है। मैंने चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें पता नहीं होता है कि वैकेंसी कब आती है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे तैयारी करनी है, बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करके संविदा जॉब पा पाएँ या फिर उससे भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जा सके। तो मैं लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, जो भी नर्सिंग पर्सनल्स हैं, जो भी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, मैं उन लोगों को गाइड करना चाहती हूँ ताकि कोई भी कैंडिडेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में 10,000-5,000 के लिए अपना जो टाइम वेस्ट ना करे, नर्सिंग के अपने मतलब एक कहते हैं कि डिग्निटी को बना के रखे, ऐसा मैं चाहती हूँ। इस वजह से मैं अपने चैनल को इस्टेब्लिश किया है और मैं चाहती हूँ कि हर एक नर्सिंग का जो भी कैंडिडेट है वो कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कम पैसे में काम ना करे, अच्छे से अच्छे जगह पे काम करे, अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाए और नर्सिंग का जो स्टैंडर्ड है, नर्सिंग का जो लेवल है, उसको भी इम्प्रूव करे। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा मुझे टाइम की कमी हो जा रही है, इस वजह से मैं वीडियो टाइम से नहीं बना पा रही हूँ। पर आप रेगुलर किसी के भी चैनल को वॉच करिए, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो भी चैनल आपको सही अपडेट देता है, वहाँ से आप अपडेटेड रहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डाउट और है कि 5500 की जो वेटिंग है वो आएगी कि नहीं आएगी। तो 5500 की वेटिंग आएगी क्योंकि बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेंस को नेक्स्ट सेशन के लिए बोला गया है। तो नेक्स्ट सेशन का मतलब है कि वेटिंग आएगी, और वेटिंग आएगी तो उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ ने लीव लिया हुआ है उनको वेटिंग लिस्ट के साथ में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। 5500 का वेटिंग लिस्ट आएगा। ऐसा मुझे भी लग रहा था कि जब 1500 सीटें बढ़ा दी गई हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि 5500 वाली जो सीटें हैं उसको CCHN में दे दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि वो सीटें दूसरे मतलब CCHN सर्टिफिकेट वालों को नहीं दी जाएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। और वेटिंग लिस्ट कब आएगी ये मेरे से पूछा गया था कि 5500 की जो फर्स्ट वाली तो लिस्ट आ चुकी है, सेकेंड वाली लिस्ट कब आएगी। सेकेंड वाली लिस्ट भी आएगी और सेकेंड वाली लिस्ट में कट ऑफ नीचे जाएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो UR में OBC से रिजेक्ट हुए थे वो UR में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इसमें जो है कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी। पिछली बार अगर एक नंबर भी कट ऑफ नीचे नहीं गई है तो इस बार 2-3-4 नंबर भी कट ऑफ नीचे जाएगी। अब मेरे से कमेंट करके प्लीज़ कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन ना करे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। इवन पर्सनली एक लोग को भी मैंने मैसेज किया, तो मैं अब इतना नहीं बता पाऊँगी कितनी कट ऑफ है, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट आएगी सेशन खत्म होने के बाद। अभी आपको पता है कि 15 दिन की पोस्टिंग लगी हुई है, 15 से 20 दिन की पोस्टिंग ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। वो ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम के बाद से एक और वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही ट्रेनिंग सेशन खाली होगा तो अब जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो नए सिरे से उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। और एक चीज़ और मेरे से पूछा गया था कि जो अभी जो ट्रेनिंग सेंटर मिला हुआ है 15 दिन के लिए, तो वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होगा। उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको आपका ट्रेनिंग आपका पोस्टिंग कोई सेंटर अलॉट होगा, डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होगा। ब्लॉक चेंज हो सकता है पर डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होगा। ऑफिशियल साइट पे आपको शिकायत दर्ज करने का एक पोर्टल ऑन हो चुका है, आप उसमें जैसे अभी तो खुल नहीं रहा है पर जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तो आप वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ पे कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कंप्लेन कैसे दर्ज कर सकते हैं तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस यूट्यूबर्स ने बनाए हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो दे दूँगी। 17,000 स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड कब आएगा? तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम से 1 वीक पहले ही एडमिट कार्ड आता है। ऐसा क्यों? अगर बहुत पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा तो आप उस ज़िले में जाके कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर अगर अलॉट हो जाता है वहाँ पे जाके सोर्स वगैरह लगा लेते हैं, ताकि मतलब पेपर में थोड़ी सी अनियमितताएँ देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए एडमिट कार्ड बहुत पहले नहीं आएगा, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आएगा। तो 18 को एग्ज़ाम होने वाला है तो मान के चलो कि 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के आसपास में ही एडमिट कार्ड आएगा। तो जो लोग स्टाफ नर्स के हैं उनका एडमिट कार्ड नहीं खुला है, 10 तारीख के आसपास में आ जाएगा। नई CHO की वैकेंसी कब आएगी? तो हर साल CHO की वैकेंसी आती है और CHO की वैकेंसी आनी भी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे अभी सब सेंटर बने नहीं हैं, सब सेंटर की नीड है, तो CHO वैकेंसी अभी ये जो वेटिंग लिस्ट का सेशन जो चलेगा, मान लीजिए कि फरवरी में वेटिंग लिस्ट आ जाती है, वेटिंग लिस्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, फरवरी मार्च अप्रैल तक लगभग चलेगा, मार्च अप्रैल मई मतलब चल सकता है ट्रेनिंग, पूरा पोस्टिंग तक अप्रैल मई हो जाएगा। तो फिर नया सेशन जो होता है, हमेशा आपने देखा होगा कि या तो वैकेंसी जनवरी में मार्च में आती है या फिर अक्टूबर नवंबर में हर साल CHO की वैकेंसी आती है। तो इस बार भी चांसेस है कि अक्टूबर नवंबर तक CHO की नई वैकेंसी आएगी, जो इस वैकेंसी में बची रह जाएगी वो भी आएगी, और साथ में 5500 सीटों में जो भी सीटें खाली रहेंगी और
और एक्स्ट्रा जो नीड होगी सीएचओ की, तो उसके लिए भी वैकेंसी आएगी नवंबर अक्टूबर तक। तो जिन लोगों ने इसमें सिलेक्शन नहीं पाया है या फिर जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, वेट करिए, अक्टूबर नवंबर में फिर से सीएचओ की वैकेंसी आएगी। एएनएम लैब टेक्नीशियन और फार्मेसी की आंसर की कब आएगी, तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो चांसेस हैं कि एग्ज़ाम के डेट से एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब अगर आपका 30 तक एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो 10 जनवरी तक चांसेस है कि आंसर की आती है। अगर आंसर की 10 दिन के अंदर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो जब स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो जाएगा 18 तारीख को, तो 18 तारीख से 10 दिन के बाद स्टाफ नर्स की आंसर की आएगी, तो हो सकता है कि उसके साथ में ही इसकी भी आंसर की आए। लेकिन उम्मीद ये है कि ये आंसर की एग्ज़ाम के डेट से 10 दिन के अंदर आ जाएगी और आनी भी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता।